हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिसमस स्पेशल कोकोनट लाइम कर्ड केक। तो चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइम कर्ड फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप चीनी। इसमें मिलाएंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 1/3 कप लाइम जूस और आधा कप दूध। मैं एगलेस लाइम कर्ड बना रही हूँ, तो अगर आप एगलेस केक बना रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसे मिक्स कर लेने के बाद अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे लगातार लो हीट पर चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। ये अब गाढ़ी हो गई है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून बटर और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क, ये 1/2 कप है। इसमें थोड़ा सा कलर के लिए मैं लेमन फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप करें। तो लीजिए, तैयार है एगलेस लाइम कर्ड। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करके रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और उसके बाद हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आइए अब केक बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम लेंगे 3 एग व्हाइट्स। ये रूम टेम्परेचर पर है, इसे हम हाई स्पीड पर बीट करेंगे जब तक कि इसके स्टिफ पीक्स फॉर्म ना हो जाएँ। एग वाइट्स के स्टिफ पिक्स बन गए हैं, तो अब आगे का स्टेप देखते हैं, जिसके लिए हम 3 एग योक्स लेंगे। इसमें मिलाएंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी और 1/2 कप तेल। अब हम इसे क्रीमी होने तक मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/3 कप कोकोनट मिल्क और 2 टेबलस्पून लाइम जूस। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, जिसके लिए ले रहे हैं 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून केक फ्लावर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे हम छान के ऐड करेंगे। अब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब पहले हम एग वाइट का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और बैटर के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है, तो बाकी का एग वाइट हम हल्के हाथों से इस बैटर के साथ फोल्ड करेंगे। केक बैटर तैयार है, तो चलिए इसे बेक करने के लिए एक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस मोल्ड को पहले से ही मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के ग्रीस कर लिया था। बैटर में मौजूद एयर बबल्स को निकालने के लिए इसे हम हल्का सा टैप करेंगे और फिर इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट के लिए। केक बेक होके तैयार है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फिर इसके लेयर्स कट करेंगे। आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। इस केक के हम 3 लेयर्स कट कर रहे हैं। अब ये 3 लेयर्स कट गए हैं, तो अब हम एक कोकोनट शुगर सिरप बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप कोकोनट मिल्क और उसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर।
अब हम केक के लिए क्रीम व्हिप करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम जो कि मीठी होती है। इसे हम बीट करेंगे स्टिफ पीक्स होने तक। शुरू में हमने जो लाइम कर्ड बनाया था वो भी ठंडी हो गई है, तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। पहले हम एक केक की लेयर रखेंगे और उसके ऊपर एक ब्रश की मदद से कोकोनट मिल्क को लगा लेंगे। व्हिप्ड क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में भर दिया है, जिससे कि केक के किनारों पर पाइप करते हुए आसानी हो। अब इसके बीच में हम तैयार लाइम कर्ड फिलिंग भरेंगे। अब सेकेंड लेयर रखेंगे और सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अब क्रीम से मैं इसको क्रम्ब कोट कर रही हूं। अब मैं इसको रखूंगी फ्रिज में आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद अब हम इसको क्रीम से पूरी तरह से कवर कर लेंगे। आप केक के साइड्स पे डेसिकेटेड कोकोनट लगाएंगे। अगर आप घर पे डेसिकेटेड कोकोनट बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। केक तैयार है, तो चलिए इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ चॉकलेट ट्रीज बना लेते हैं, जिसके लिए स्क्यूअर लेंगे और उसके ऊपर मेल्टेड कंपाउंड चॉकलेट को इस तरह से लगाते जाएंगे। व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद मैंने उसमें ग्रीन कलर ऐड किया है। अब इसको सेट होने के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे 10 मिनट के लिए। आइए अब इस क्रिसमस केक को डेकोरेट करते हैं। आप स्नोमैन बनाते हैं, इसमें मैंने व्हिपिंग क्रीम में रेड कलर ऐड किया है। आंखों के लिए मैं मेल्टेड डार्क चॉकलेट ले रही हूं। आप थोड़ा सा स्नो इफेक्ट पाउडर शुगर के साथ।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर।